वेलकम टू मिक्स प्रैक्टिस पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोट ऑफ एक्स पावर टेन इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ टू एक्स स्क् माइनस थ्री बाई एक्स पावर 11. सबसे पहले इसके लिए जनरल टर्म लिख लेते हैं टी आर प्लस वन वो हो जाएगा 11 सी आर पहले का पावर 11- माइनस आर दूसरे का पावर आर यहां से मिलेगा एलेवन सी आर टू का पावर 11- माइनस आर अलग माइनस थ्री का पावर आर अलग एक्स का पावर बाईस माइनस टू आर वहां से और माइनस आर यहां से एक्स पावर टेन का कोफिशियंट चाहिए तो इसके पावर को जो कि ट्वेंटी टू माइनस थ्री आर है टेन के इक्वल रख दे यहाँ से बारह इक्वल्स टू थ्री आर आ गया आर का वैल्यू फोर इस आर का वैल्यू फोर को इसमें रख दे ये तो एक्स पावर टेन ही बनेगा लेकिन हमको कोफिशेंट से मतलब है इक्वल्स टू अलेवन सी फोर टू का पावर सेवन माइनस थ्री का पावर फोर हो जाएगा यहाँ माइनस वन का पावर फोर वन ही होता है तो फाइनली लिख दे एलेवन सी फोर टू पावर सेवन थ्री पावर फोर विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन तो जनरल टर्म लिखना था उसके बाद हो ही जाएगा क्वेश्चन नंबर टू दो क्वारिटिक इन दिया हुआ है और बीच में एंड है मतलब कॉमन पोर्शन लेना है पहला है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स कॉमन एक्स प्लस थ्री माइनस वन कॉमन एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट्स है माइनस थ्री और वन पॉजिटिव पोर्शन लेना है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स एक्स कॉमन कॉमन लिया लिया वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस थ्री एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट से आएगा माइनस वन और थ्री प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव पोर्शन चाहिए तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन थ्री से लेके इन्फिनिटी ठीक है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस थ्री कॉमन आएगा क्योंकि माइनस थ्री पहले आ जाएगा तो कॉमन पोर्शन देखे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री इधर वन से इंफिनिटी है और थ्री से इन्फिनिटी तो हम थ्री से इंफिनिटी लेंगे थ्री से इंफिनिटी अब इसमें ये फाइनल आंसर है इसमें देखते हैं कौन कौन आ रहा है माइनस वन से छोटा नहीं माइनस वन से छोटा नहीं है क्योंकि माइनस थ्री से छोटा है तो माइनस वन नहीं है इस इंटरवल में वन से वो भी इस इंटरवल में नहीं है माइनस एट से छोटा माइनस थ्री से छोटा है तो माइनस एट से छोटा होगा ही वन से बड़ा थ्री से बड़ा यहां पे थ्री है तो थ्री से बड़ा हाँ थ्री से इन्फिनिटी है तो ये भी होगा तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गया जीरो डिफर बाय यूनिटी देन तो लेट द रूट्स बी अल्फा एंड अल्फा प्लस वन डिफरेंस ऑफ रूट बोला है तो अल्फा प्लस वन माइनस एल्फा आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मॉड ले ले तो वो बैलेंस हो जाएगा वो क्या होता है रूट डी बाई है? यहां से हमारे पास वन आएगा ठीक है, है तो वन इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वाइनस फोर क्यू स्क्वाइड वन इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू या फिर पी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर क्यू प्लस वन बेसिक आइडिया था डिफरेंस ऑफ रूट होता है डिस्क्रिमिनेंट का रूट डिवाइडेड बाई स्क्वायर क्वेश्चन नंबर फोर इन्फिनाइट जीपी दिख रहा है एक्स तो का वैल्यू तो हम निकाल ही सकते सम होता है फर्स्ट टर्म अपऑन वन माइनस कॉमन रेशियो तो एक्स क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म वन माइनस कॉमन रेशियो सिमिलरली वाई क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म वन माइनस कॉमन रेशियो बी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें देखें तो कॉमन ए बी है तो उसके लिए पहले कंडीशन चाहिए क्योंकि हमारे पास ए लेस देन वन है बी लेस देन है तो ए बी भी लेस देन, वन तो भी भी लेस देन वन होगा तो इसका सम लिखें तो हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन वन माइनस ए बी ए चाहिए और बी चाहिए हमें तो ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू वन एक्स का वैल्यू हमारे पास x कॉमन uh, ले ले वन माइनस ए इक्वल्स टू वन एक्स का वैल्यू वन अपॉन वन माइनस ए आ गया सिमिलरली इसमें uh, y माइनस वाई बी इक्वल्स टू वन वाई कॉमन लिया वन माइनस बी इक्वल्स टू वन वाई का वैल्यू वन अपॉन वन माइनस बी आ गया उठा के यहां रख दे वन अपॉन वन माइनस ए का वैल्यू ए का वैल्यू चाहिए था एक्स और वाई का नहीं तो ये हमने थोड़ा सा गलती किया तो वापस आते हैं एक्स माइनस ए एक्स इक्वल्स टू वन ठीक है आ, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ए एक्स ए का वैल्यू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स सिमिलरली बी का वैल्यू अगर देखें तो y माइनस वन डिवाइडेड बाई y आएगा क्योंकि दोनों सेम ही तरह के हैं बस x को y से रिप्लेस करना है और a को b से तो यहां तक आ गए हम a के जगह x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स बी के जगह y माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई तो वन अपॉन एक्स वाई एल्सियम आएगा माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करें इससे तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन और एक्स वाई जो नीचे आएगा उसको ऊपर भेज दे तो आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस वन एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन विच इज योर सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव बेसिक क्वेश्चन है अगेन एनसीआर टी में ऐसा क्वेश्चन है हम ई पावर एक्स लिख लेते हैं और जो डिनोमिनेटर में है वही क्रिएट कर लेते हैं एटलीस्ट वन प्लस एक्स क्रिएट कर लेते हैं तो उसके लिए एक्स प्लस वन माइनस वन लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया वन वन हट के यहाँ पे फिर से x ही बचेगा e x, अब सेपरेट कर लेते हैं इसको अगर फंक्शन माने तो ये इसका डेरेवेटिव क्लियरली होगा क्योंकि डेरेवेटिव तो होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्योंकि वन अपॉन लीनियर है कुछ कोफिशेंट भी नहीं है तो इसका डेरेवेटिव भी करेंगे तो फिर फाइनली वन ही आएगा आप देख सकते हैं एफ एक्स अगर माने हम वन अपॉन वन प्लस एक्स दैट मीन्स वन प्लस एक्स का पावर माइनस वन तो एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस वन वन प्लस एक्स का पावर माइनस टू और फिर वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन ही होता है तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है ई पावर एक्स इंटू फंक्शन विच इज वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस सी विच इज योर फोर्थ ऑप्शन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहला जो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है हमारा सर्कल और इससे पास करता है इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है मतलब इसका जो सेंटर है वही हमारे सर्कल का भी सेंटर है इसका सेंटर कैसे निकाले माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है माइनस जी निकालने के लिए एक्स के कॉफिशन को टू से डिवाइड करें और साइन पलट दें तो माइनस टू आएगा हमारे पास यहां से माइनस थ्री आएगा तो हमारा सेंटर मिल गया इस सेंटर को मानते हुए हम सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं एक्स माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट विच इज माइनस टू तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट तो वाई माइनस माइनस थ्री तो वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर बराबर रेडियस आर मान लेते हैं अब यही आर निकालने के लिए तो दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि हमारा सर्कल इसे पास कर रहा है फाइव कॉमा फोर से तो यहाँ पे फाइव कॉमा फोर पुट कर दें अगर तो हमारे पास मिल जाएगा सेवन स्क्वायर विच इज फोर्टी नाइन प्लस uh, यहाँ भी सेवन स्क्वायर विच इज फोर्टी नाइन इक्वल्स टू आर स्क्वायर ठीक है तो हमारे पास नाइनटी एट इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ गया बस आर स्क्वायर को उठा के इसमें रख दे और खोल दे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू हमारे पास नाइनटी एट आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर यहाँ पे नाइन सिक्स वाई आएगा फोर एक्स प्लस सिक्स वाई नौ चार तेरह ठीक है और वो उधर आएगा तो थर्टीन माइनस नाइन्टी एट तो माइनस एट्टी फाइव हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो विच लुक्स एज द सेकेंड ऑप्शन द सम ऑफ द सीरीज़, आसान सीरीज है क्योंकि अगर हम टू क्यूब कॉमन ले लें तो वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब सो अप टू नाइन क्यूब तक जाएगा टू क्यूब मतलब एट बाहर है हमारा ठीक है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर तो एन नंबर ऑफ टर्म नौ तक जा रहे हैं इन टू एन प्लस वन विच इज टेन डिवाइडेड बाई टू इसका होल स्क्वायर ठीक है तो एट इंटू हमारे पास हो जाएगा नाइनटी का होल स्क्वायर तो इक्यासी ठीक है और यहां नीचे फोर आएगा फोर टू जय एट ठीक है इक्यासी सौ इंटू टू तो आठ हजार एक सौ इंटू टू सोलह हजार दो सौ इज आवर आंसर तो बेसिक आइडिया था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर शायद ये क्वेश्चन जेई मेन्स में भी आ चुका है आ, क्या हम करते हैं इसमें आ, टू का पहले बेस बना ले सब जगह तो फो आ, टू का पावर टू बाई एट हो जाएगा विच इज ऐसे ही रहने दे देन टू का पावर आ, थ्री बाई सिक्सटीन यहाँ सिम्पलीफाई ना करें क्योंकि आगे कुछ पैटर्न बन रहा है टू का पावर फोर बाई थर्टी टू सो ऑन अप तो टू इन्फिनिटी बेस सब में टू है वन बाई फोर टू बाई एट थ्री बाई सिक्सटीन सो वन अपू इनिटी ठीक है इनफिनाइट जीपी नहीं अभी ए जीपी बन रहा है हमारे पास तो ऊपर जो है इस पूरे ब्रैकेट को एस मान ले तो एस हमारे पास है वन बाय फोर टू बाई एट थ्री बाय सिक्सटीन सो ऑन अप टू इंफिनिटी कॉमन रेशियो है वन बाई टू तो एस बाई टू एक टर्म शिफ्ट कर दे वन बाई एट टू बाई सिक्सटीन सो ऑन अपू इन्फिनिटी सब ट्रैक्ट कर दे एस माइनस एस बाई टू विल टू वन बाई फोर वन बाय वन बाई सिक्सटीन सो ऑन अप टू इंफिनिटी एस बाई टू का वैल्यू आ गया फर्स्ट टर्म वन माइनस कॉमन रेशियो विच इज वन बाय टू तो वन बाय फोर हाफ वन बाई फोर इन टू बाई वन दिस इज हाफ अगेन एस बाई टू का वैल्यू वन बाई टू आया तो एस का वैल्यू वन आ गया मतलब टू का पावर वन हमारा आंसर होगा दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट एग्जैक्टली जेई में आ चुका है इन एन एग्जामिनेशन अजय हैज टू पास इन ईच ऑफ द सिक्स सब्जेक्ट इन हाउ मेनी वेज ही कैन फेल तो सभी छः में पास करेगा तभी वो पास हो पाएगा तो कितने वेज में वो फेल हो सकता है तो आ, हम बोल सकते हैं कि अगर एक भी विषय में वो फेल हो जाए तो फेल है तो छः में से एक विषय या फिर दो में फेल हो जाए फिर भी फेल या फिर तीन में चार में पांच में हो जाए फिर भी फेल और छः में हो जाए फिर भी फेल है ठीक है सिक्स सी जीरो नहीं लिख रहे क्योंकि सिक्स सी ज़ीरो का मतलब है कि वो किसी में फेल नहीं हुआ तब वो पास हो जाएगा लेकिन एटलीस्ट अगर एक में फेल होगा तो वो फेल हो जाएगा तो इसी में हम अब ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है अब इसको वैल्यू निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि अपने तरफ से इसमें वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वन को हम बेसिकली सिक्स सी ज़ीरो अब लिख सकते हैं और यहां माइनस वन तो सिक्स जीरो अपटू सिक्स क्या हो जाएगा टू पावर एन मतलब टू पावर सिक्स माइनस वन सिक्सटी फोर माइनस वन थीटा इज एक्स प्लस वन बाय टू फाइंड वैल्यू ऑफ टू इन टू कॉस थ्री थीटा तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू हाफ एक्स प्लस वन बाय आ गया हमें निकालना है टू cos थ्री थीटा का वैल्यू तो वो हो जाएगा फोर कॉस क्यूब थीटा ठीक है माइनस थ्री कॉस थीटा ठीक है और साथ में हमारे पास टू लगा होगा तो टू टाइम्स अब देखें फोर इंटू कॉस क्यूब थीटा मतलब इसका क्यूब मतलब वन बाय टू का क्यूब वन बाई एट होगा और एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री टाइम्स कॉस थ्री थीटा फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स यहाँ पे कॉस एक्स ही होगा सिंपली तो थ्री कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास है वन बाई टू एक्स प्लस वन बाय एक्स ध्यान से देखें तो अब हमारे पास ये टू इंटू फोर एट है ठीक है ये टू दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टू अंदर जाएगा तो एट बाई एट वन ही होगा तो एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब ये टू इसके पास जाएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो माइनस थ्री टाइम्स एक्स प्लस वन बाय एक्स हो जाएगा ठीक है तो एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री और यहाँ पे एक्स इंटू वन बाय एक्स लिख सकते हैं अपने तरफ से एक्स प्लस वन बाय एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एक्स ए है एक्स और बी है वन अपॉन एक्स दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अलेवन है हमारे पास इसमें कॉट एल्फा इंटू कॉट बीटा टू दिया हुआ इस चीज का वैल्यू निकालना है कॉट एल्फा मतलब कॉस एल्फा डिवाइडेड बाई साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू टू दिया हुआ इसको टू बाई वन लिख लेते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं मतलब a बाई बी अगर c बाई डी होता है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या करते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर लिखते हैं तो ए प्लस और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं दोनों ही तरफ तो सी प्लस d डिवाइडेड बाई सी माइनस डी तो वही काम करते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन लिख लेते हैं और नीचे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा लिख लेते हैं इधर टू प्लस वन विच इज थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस वन विच इज वन ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल्स टू थ्री बाई वन लेकिन हमको इसका अपोजिट चाहिए तो कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा दैट विल बी इक्वल टू वन बाई थ्री फोर्थ ऑप्शन या फॉर्मुला याद रखना होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा का इफ द वेक्टर्स वेक्टर्स गिवन है तो उसका कोफिशेंट का जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू जीरो कर देता है आई कैप के साथ वन लगा हुआ माइनस वन वन देन वी हैव थ्री वन एंड टू देन वी हैव वन लैमडा एंड माइनस थ्री दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस प्लस तो लैमडा इंटू माइनस थ्री माइनस टू लैमडा माइनस माइनस प्लस वन टाइम्स इसको ब्लॉक करो इसको ब्लॉक करो माइनस थ्री माइनस टू प्लस वन टाइम्स थ्री लैमडा माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब हमारे पास आ गया माइनस थ्री लेमडा माइनस टू लेमडा का स्क्वायर माइनस एलेवन प्लस थ्री लेमडा माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो सब कुछ को उधर ले जाए तो उधर जाएगा फाइव लेमडा टू लेमडा स्क्वायर माइनस थ्री लेमडा प्लस थ्री लेमडा हमारे पास हो जाएगा कैंसिल और ये एलेवन माइनस एलेवन और ये हमारे पास उधर जाके प्लस ट्वेल्व बन जाएगा ठीक है तो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार देख लेना सही रहेगा तो माइनस एलेवन थ्री लैमडा माइनस वन ठीक ही है अभी तक एक बार और खोल लेते हैं देख लेते हैं वैल्यूज को यहाँ पे वन था लैमडा की तरह दिखा तो लैमडा तो वन टाइम्स तो माइनस थ्री माइनस टू लेस एलेवन वहां से और three lambda minus one equals to zero. हमारे पास क्या हो गया अब थ्रीडाइनस मतलब और तीन और ग्यारह माइनस चौदह माइनस पंद्रह तो लैमडा इक्वल्स टू पंद्रह विच इज योर सेकेंड ऑप्शन तो ध्यान रखें अपने ही राइटिंग का क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हमारे पास uh, बस वही लगा देते हैं कि एक बार आई इसको खुद लिख देते हैं जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स और इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं मतलब पाई बाई फोर माइनस एक्स से तो जीरो से लेके पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स के जगह पाई बाई फोर माइनस एक्स यहाँ टेन ए माइनस टेन बी का रिजल्ट लग जाएगा तो i इक्वल्स टू जीरो से लेके पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन ए मतलब टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स इन टेन पाई बाई फोर ठीक है i इक्वल्स टू जीरो से लेके पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन एक्स तो हमारे पास टू बचेगा ऊपर और नीचे वन प्लस टेन एक्स डी इसको अब इक्वेशन नंबर टू मान सकते हैं वन और टू को ऐड कर दे एल में टू आई आएगा लिमिट्स तो सेम रहेगा और लॉग वन प्लस टेन एक्स था इक्वेशन नंबर वन में और प्लस लॉग टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन एक्स है इक्वेशन नंबर टू में लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी हो जाता है तो टू आई इक्वल्स टू जीरो से पाई बाय फोर लॉग ए बी मतलब लॉग वन प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू डिवाइडेड वन प्लस टेन एक्स हो जाएगा कैंसिल तो लॉग टू आया उसको कर देते हैं हम बाहर तो टू आई इक्वल्स टू लॉग टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंदर बचेगा विच इज एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाय फोर तो आई का वैल्यू आ जाएगा लॉग टू ये पाई बाय फोर आएगा और ये टू नीचे आएगा तो पाई बाय तो पाई बाय एट लॉग टू बेस की क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है हमारे पास इसका इंटीग्रल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर हम साइन एक्स को टी मान ले तो सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स यहां से डी टी आएगा ऊपर डी टी मिल गया हमारे पास नीचे टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस थ्री ठीक है नीचे स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं तो डी टी बाय बाई अंडर उट, टी स्क्वायर माइनस टू टी को कोई डिस्टर्बेंस ना दे इसका हाफ मतलब वन का स्क्वायर ऐड करें और सब करें माइनस थ्री तो डी टी बाय हमारे पास टी माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया माइनस फोर विच इज टू का स्क्वायर ठीक है डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट ठीक है वो क्या आता है हमारे पास लॉग मॉड एक्स विच टी माइनस वन प्लस सेम चीज यहां पे रख दे तो ये सॉल्व करने के बाद यही आएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस थ्री प्लस सी तो लॉग टी क्या माना है हमने ऊपर साइन एक्स माना है तो साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स माइनस थ्री प्लस सी तो ऑप्शन की ओर देखें तो पहला ऑप्शन करेक्ट नजर आता हो यहां क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है द वैल्यू ऑफ साइन के अंदर थ्री साइन इन टू बाई फाइव है हमें पता होना चाहिए कि थ्री साइन इनवर्स थीटा होता है थ्री साइन थीटा सॉरी साइन इन्वर्स के अंदर थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थ्री साइन इन्वर्स थीटा इज साइन इन्वर्स थ्री थीटा माइनस फोर इंटू थीटा का क्यूब ठीक है थीटा दैट मीनस बेसिकली एंगल है जो अंदर में होता है तो यहां पे उसका यूज कर दे तो साइन इसके जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स थ्राइस मतलब सिक्स बाई फाइव माइनस फोर इंटू उसका क्यूब मतलब एट बाई एक सौ पच्चीस यहाँ आप एक्स भी यूज कर सकते हैं अगर आप थीटा के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो तो साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग तो यहां पे डायरेक्ट समथिंग उतर जाएगा विच इज सिक्स अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे पच्चीस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर डेढ़ सौ हो जाएगा नीचे एक सौ पच्चीस माइनस बत्तीस बाय एक सौ पच्चीस तो ये हो जाएगा एक सौ अट्ठारह बाई एक सौ पच्चीस विच इज योर सेकेंड ऑप्शन बस फॉर्मुला याद रखना था उसके बाद तो हो ही जाएगा फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर एफ एक्स है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एफ एफ ऑफ ऑफ टू निकालना है सबसे पहले तो एफ ऑफ टू निकाल लेते हैं वो क्या हो जाएगा टू अपॉन टू स्क्वायर विच इज फोर प्लस वन फाइव तो हमें बेसिकली एफ ऑफ टू बाई फाइव निकालना है तो फंक्शन में टू बाई फाइव रख दे एक्स जहाँ जहाँ है तो फोर बाई ट्वेंटी फाइव प्लस वन तो टू बाई फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी नाइन बाई ट्वेंटी फाइव तो टू बाई फाइव इंटू ट्वेंटी फंक्शन का बेसिक आइडिया था यहां पे क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डायरेक्ट डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते पहले ए को सिंप्लीफाई करना होगा तो कॉस पाई बाई फोर होता है वन बाय रूट टू यहाँ पे वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू और वन बाय रूट टू ठीक है प्लस यहाँ भी वन बाय रूट टू यहाँ वन बाय टू माइनस वन बाय रूट टू और वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू किसी भी मैट्रिक्स में कोई आ, आ, एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है तो अंदर जाता है तो सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा ये सभी आ, वन बाई टू वन बाई टू माइनस वन बाई टू और वन बाई टू इधर भी वही काम होगा वन बाई टू माइनस वन बाई टू वन बाई टू और वन बाई टू दो मैट्रिक्स को ऐड कर दे तो हमारे पास हाफ प्लस हाफ वन यहाँ ज़ीरो यहाँ ज़ीरो और यहाँ वन ठीक है अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं वन ज़ीरो जीरो वन तो स्क्वायर जीरो विच इज वन तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज ऑफ़ इक्वल्स टू दिस देन द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए पीडैश एक्स को इक्वल टू जीरो कर दो जो वैल्यू आएगा वहां पे उसको वापस पुट कर देंगे तभी हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा तो पीडैश को जीरो करेंगे 41 का डेरिवेटिव 0 24x का 24 माइनस पावर जंप करेगा तो 36 और पावर एक कम होगा इक्वल्स टू 0 ठीक है तो 24 इक्वल्स टू 36x x का वैल्यू 24/36 दैट मींस 2/3 इस 2/3 को पुट कर दो वहां पे तो px का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा इकतालीस प्लस चौबीस इंटू टू बाई थ्री माइनस अठारह इंटू टू बाई थ्री का स्क्वायर विच इज फोर बाई नाइन तो हो जाएगा इकतालीस होगा प्लस चौबीस होगा माइनस आठ ठीक है तो एक बार ध्यान से देख ले फोर्टी वन प्लस ट्वेंटी फोर इंटू टू बाई थ्री तो यहां एट होगा एट टू जैसटीन तो फोर्टी वन प्लस सिक्सटीन माइनस एट दैट मीन फोर्टी वन प्लस एट विच इज फोर्टी नाइन फोर्थ ऑप्शन तो पहले डेरिवेटिव को जीरो कर दे जो वैल्यू आया उसको रख के मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो अगर हम यहाँ पे नाइन पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो थ्री पावर एक्स माइनस वन और माइनस कॉमन ले ले तो थ्री पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस एक्स होता है आ, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ठीक है ऊपर नीचे दोनों में लिमिट ट्रांसफर कर दे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ऊपर हो जाएगा थ्री पावर एक्स माइनस वन और नाइन पावर एक्स माइनस वन और लिमिट नीचे भी लग जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टू को बेशक आप बाहर कर दे नहीं तो रहने दे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ठीक है अब हमारे पास a पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाय x अगर होता है तो हम उस केस में जो आंसर बताते हैं वो होता है हमारे पास लॉग a टू द बेस e लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाय x दिस इज लॉग ए टू पे देख ले ऊपर लेक्स माइनस वन तो यहां पे, आ, उपर, X 1, तो X, आ, यहां पे हम डिवाइड कर दे दोनों में ठीक है अब ऊपर से डिवाइड किया तो नीचे भी एक्स से डिवाइड कर दे वैसे भी इसको चाहिए एक्स स्क्वायर से डिवीजन तो ऊपर हो जाएगा अब लिमिट प्रोडक्ट में लिमिट दोनों को मिल जाएगा इसको भी और इसको भी तो लिमिट

एक्स स्क्वायर बाय टू ठीक है तो इसको ऐसे देख सकते हैं हम साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है ठीक है तो नीचे इसको एक्सक्वायर बाई फोर एक एक्स्ट्रा चाहिए एक्सक्वायर बाई टू ही है हमारे पास तो ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं टू से ठीक है तो इसको फोर मिल जाएगा और ऊपर जो डिवाइड किया टू से उसको हम हाफ़ के फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं ये चीज़ हो जाएगा वन ये चीज़ हो जाएगा वन ये चीज़ हो जाएगा वन तो बेसिकली वन अपॉन वन बाई टू ये वन नहीं होगा ये हो जाएगा लॉग ए बेस ई तो यहाँ पे लॉग थ्री बेस ई और लॉग नाइन बेस ई होगा हमारे पास तो लॉग थ्री टू द बेस ई यहाँ पे लॉग नाइन टू द बेस ई और नीचे वन बाई टू तो वन बाई टू को क्या ऊपर भेज सकते हैं तो टू बन जाएगा टू लॉग थ्री बेस ई लॉग नाइन बेस ई अब टू को यहां पे जंप करा दे तो लॉग नाइन बेस ई बन जाएगा इंटू लॉग नाइन बेस ई ठीक है तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग नाइन बेस ई का होल स्क्वायर, ठीक है लॉग नाइन बेस ई का होल स्क्वायर ठीक है अब ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं लॉग थ्री बेस ई के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो अगेन इसको और सिंप्लीफाई कर दे लॉग नाइन कॉम लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर टू बेस ई उसका स्क्वायर तो ये टू जंप करेगा बाहर तो टू लॉग थ्री बेस ई उसका स्क्वायर टू को अगर बाहर निकाले तो फोर जाएगा अंदर लॉग थ्री बेस ई का स्क्वायर बनेगा और अब अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर फोर आ जाएगा तो याद रखना था लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स दोनों का वैल्यू याद रखना था इसका लॉग ए बेस ई होता है और इसका वन होता है इस दोनों के साथ हम बना लेंगे इस क्वेश्चन को कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो लॉग को उधर ट्रांसफर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ई पावर थ्री एक्स प्लस फोर वाई ठीक है डीवाई बाई डी एक्स इसको अलग अलग कर ले तो ई पावर थ्री एक्स इंटू ई पावर फोर वाई ठीक है तो डी वाई डिवाइडेड बाईर वाई पावर थ्री एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर थ्री एक्स डी एक्स ठीक है तो इसका हो जाएगा e पावर माइनस फोर वाई और माइनस फोर वाई का डेरिवेटिव से डिवाइड तो माइनस फोर ठीक इक्वल्स टू ई पावर थ्री एक्स का ई पावर थ्री एक्स और थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री प्लस सी ठीक है आ, और बोला गया है वाई जीरो है वन एक्स इक्वल्स टू जीरो तो उसे सी निकालने के काम आएगा तो एक्स जीरो वाई जीरो दोनों को जीरो कर दे तो ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा ई पावर जीरो तो वन हो जाएगा इक्वल्स टू वन प्लस सी तो सी का वैल्यू जीरो ही आएगा मतलब यही हमारा आंसर होगा ई पार माइनस फोर वाई डिवाइडेड बाय माइनस फोर तो ट्वेल्व इसको चाहिए यहां पे ध्यान दे कि हमारे पास कांस्टेंट का वैल्यू अब जीरो आ चुका है तो ई पावर माइनस फोर वाई डिवाइडेड बाय माइनस फोर इक्वल्स टू ई पावर थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री ठीक है तो सबको इधर ले आए तो माइनस ऑफ ई पावर माइनस फोर वाई डिवाइडेड बाय फोर माइनस ऑफ ई पावर थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल्स टू जीरो माइनस को फेंक दे और एलसीएम ले ले तो थ्री ई पावर माइनस फोर वाई प्लस फोर ई पावर थ्री एक्स ठीक है इक्वल्स टू जीरो तो या फिर जो आंसर्स का ऑप्शन दिख रहा है उस हिसाब से तो इसी में माइनस को बाहर फेंक के ई पावर माइनस फोर वाई डिवाइडेड बाय एक बार रीचेक कर लेते हैं कि हमने सब कुछ ठीक किया ई को उधर ट्रांसफर लॉग को उधर ट्रांसफर किया तो ये ई उसके बेस में चले आएगा उसका सेपरेट किया x वेरिएबल को सेपरेट किया ठीक है यहाँ पे इंटीग्रेट किया इंटीग्रेशन हमने सही किया है उसके बाद x जीरो और y जीरो तो x जीरो रखेंगे तो यहाँ पे वन बाई थ्री आएगा और यहाँ हमारे पास वन बाय माइनस फोर आएगा तो यहाँ पे ध्यान देना था यहाँ वाई जीरो रखा तो ऊपर वन नीचे माइनस फोर इक्वल्स टू तो यहां वन बाई थ्री आएगा प्लस सी तो ये माइनस वन बाई फोर इक्वल टू वन बाई थ्री प्लस सी यहीं पे थोड़ा दिक्कत हो गया होगा माइनस वन बाय फोर माइनस वन बाई थ्री इक्वल्स टू सी तो ट्वेल्व लिया एलसीय तो माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस थ्री माइनस फोर इक्वल्स टू सी तो माइनस सेवन बाई ट्वेल्व हमारे पास सी आया तो ये एरर हो गया होगा तो माइनस सेवन बाई ट अगर सी के जगह रखें तो यहाँ से सब कुछ को हटाना पड़ेगा सी के जगह माइनस सेवन बाई ट्वेल्व रखना पड़ेगा तो ई पावर माइनस फोर वाई ई पावर माइनस फोर वाई डिवाइडेड बाय माइनस फोर इक्वल्स टू ई पावर थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री और सी के जगह माइनस सेवन बाई ठीक है तो ट्वेल्व uh, सब कुछ को हम ले आते हैं एल एच एस साइड में तो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज यहाँ पे ये माइनस वन बाई फोर ई पावर माइनस फोर वाई और माइनस ई पावर थ्री एक्स माइनस ई पावर थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री और प्लस सेवन बाई टू जीरो ट्वेल्व एलसीम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा आ, इसको ट्वेल्व एल्शियम ले ले तो माइनस थ्री ई पावर माइनस फोर वाई माइनस फोर ई पावर थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा ठीक है तो ये उधर गया ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास तो माइनस थ्री ई पावर माइनस फोर वाई माइनस फोर ई पावर थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो इस दोनों टर्म को उधर शिफ्ट कर दे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो ई e थ्री के साथ ई पावर माइनस फोर वाई और प्लस फोर ई पावर थ्री एक्स इक्वल्स टू सेवन अब ध्यान से देखें uh, फोर ई पावर थ्री एक्स थ्री ई पावर माइनस फोर वाईक्वल्स टू सेवन विच इज योर थर्ड ऑप्शन तो अगर कैल्कुलेशन मिस्टेक नहीं होता तो बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन बहुत बहुत धन्यवाद